नमस्कार विजय, कैसी न्यूज़ में आपका स्वागत है। फिलहाल सीधी तस्वीरें सेक्टर 20 पंचकुला जो पुलिस थाना है, यहाँ से हम आपको दिखाएंगे तस्वीरें जिसमें आपको बताएंगे एसीपी ट्रैफिक जो रमेश गुलिया है जो फिलहाल पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस करने जा रहे हैं, उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या क्या बातें हुई हैं वो आपको पूरी बात बताएंगे। फिलहाल किन किन मुद्दों पर बात की जा रही है आपको बता दें, चलानिंग को लेके और ट्रैफिक नियमों को लेके किस तरह से जो आज की डेट में देखा जाए तो कई तरह के चलानिंग की जा रही है, वहीं पर रेड लाइट को क्रॉस करके लोग अवेयर नहीं है, रेड लाइट को क्रॉस करते हैं, किस तरह से चलानिंग की जा रही है। वहीं पर सबसे बड़ी बात जिस इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का मेन मुद्दा ये होगा कि जो ऑनलाइन चलानिंग की बात की जाती है उस ऑनलाइन चलानिंग के बारे में अवेयर किया जाएगा। और सबसे बड़ी बात की बात करी जाती है कि जिस तरह से जो 18 साल से कम के बच्चे हैं जो गाड़ी लेकर आते हैं उनके पेरेंट्स उनको गाड़ी देते हैं चलाने के लिए, तो सबसे बड़ी बात अगर चलानिंग की बात की जाती है तो अब अगर आप 18 साल से कम के बच्चे को गाड़ी देकर आप रोड पर भेज देते हैं तो चलानिंग की बात करी जाती है तो चलानिंग आपके पेरेंट्स की जरूर की जाएगी। यानी अभिभावक जो है अपने बच्चों को कम से कम ये जरूर ध्यान दें कि कम से कम अगर गाड़ी देकर बाहर भेजते हैं तो सबसे बड़ी बात उनकी सुरक्षा का ध्यान रखा जाए, और सुरक्षा के साथ साथ अगर आप सुरक्षा का ध्यान नहीं रख पाते हैं तो चलान का ध्यान जरूर रखना पड़ेगा, क्योंकि ऑनलाइन चलान जो है आपके घर जरूर पहुंचेगा, वहीं पर जो कानूनी कार्रवाई है वो आपके साथ जरूर हो सकती है। फिलहाल आपको दिखाएंगे जो रमेश गुलिया जो एसीपी ट्रैफिक हैं उन्होंने क्या पूरी बातों को किस तरह से प्रेस कॉन्फ्रेंस को क्या क्या बातें बताई प्रेस कॉन्फ्रेंस में, एक बार आपको प्रेस कॉन्फ्रेंस लेकर चलते हैं आपको दिखाते हैं किन किन बातों पे चर्चा हुई। सर जैसे आज आपने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करी है सर, रिकॉर्डिंग बता दें किस लिए? ये हमने ट्रैफिक के रिकॉर्डिंग आज आप लोगों को बुलाया था स्पेशली इस चीज़ के लिए, क्योंकि यहाँ पे ट्रैफिक है। मैं ये चाहता हूँ कि भी हम जो लोग सीट बेल्ट नहीं लगाते, हेलमेट नहीं पहन कर चलते, रोंग साइड चलते हैं, आप लोगों के माध्यम से उनको जागरूक करें हम, और उनको ये समझाए कि भी सीट बेल्ट नहीं लगाने के भी आपके नुकसान है। हम किसी का चलान नहीं काटना चाहते, हम सिर्फ ये चाहते हैं कि भी आप लोगों की जान सुरक्षित रहे। आप लोग चंडीगढ़ के अंदर घुसते ही सीट बेल्ट हेलमेट वगैरह सब कुछ याद आ जाता है, लेकिन आप अपने लोकल एरिया में जाकर वहाँ पर आप लोग ये सीट बेल्ट भी उतार देते हो, हेलमेट भी उतार देते हो, वो गलत है। अब हम जो पंचकुला ट्रैफिक हमारी है तो वो अब चलान भी इस चीज़ के काटने लग रहे हैं, पहले भी चलान कटते, लेकिन अब हम लोगों को यही एक रिक्वेस्ट भी कर रहे हैं उनसे, और दूसरा हम ये चाहते हैं कि भी ट्रैफिक के रूल हैं वो सब फॉलो करें, कोई भी गलत तरीके से ना तो ड्राइविंग करे, ना ड्रिंक के साथ में गाड़ी चलाए, सीट बेल्ट लगा कर चले, हेलमेट पहन कर चले, ट्रिपल तीन आदमी बैठ कर ना चले, इसके हमें नुकसान बहुत ज़्यादा हैं। आप मतलब सिर हेलमेट नहीं पहन कर आपने चला हुआ, आप गिर जाते हो, गिर में चोट हमें डेथ है, हेलमेट की डेथ ही हमारे पास में बहुत ज़्यादा हैं। सर कोविड का टाइम चल रहा है और ड्रिंक एंड ड्राइविंग के केस दिन प्रतिदिन बढ़ते दिखाई दे रहे हैं, तो इस पे नकेल कसने के लिए क्या किया? इस पर हमें अपना नाका भी लगाते हैं, उनके चलान भी करते हैं। अब हमें और थोड़ा इसको सख्ताई से वो करेंगे, हमारे पास में कुछ मुलाजिम हुए जब बीच में अभी कोविड का आ गया था, कुछ जैसे अभी सेशन चला हुआ था उसके कारण से भी थोड़े से हमारे मुलाजिमों की कमी थी, लेकिन अभी हमारे पास मुलाजिम भी पूरे हो गए हैं। कुछ हमने और अपने सीनियर अधिकारियों से मुलाजिम जो जहाँ जहाँ कमी है वो हमने मांगे हुए हैं, तो हम ये सर पूरी हो कर रहे हैं, और दूसरा जो भी ड्रिंक वगैरह के हैं इनके भी चलान कर रहे हैं ज़्यादा से ज़्यादा। कई ऐसे देखे गए हैं कि ठेकों के बाहर गाड़ियां लगा के बैठ के दारू पीते हैं, तो उनके लिए क्या किया जाए? तो उनके भी चलान कर रहे हैं, उनके भी लोकल पुलिस भी कर रहे हैं, हमारे जो थाने हैं वो भी कर रहे हैं, ट्रैफिक वाले भी कर रहे हैं। पंचकुला में सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं जी, तो सीसीटीवी कैमरे के कितने चलान हुए हैं? सीसीटीवी कैमरे के भी हमने सभी उस चौराहे पर भी लगाए हुए हैं, और कुछ ऐसी जगह पर भी लगाए हुए हैं जो चौराहे नहीं है, वहाँ के भी हम चलान कर रहे हैं। हमने सीसीटीवी के चलान किए हैं जो अभी जनवरी फरवरी 2021 में ही 2576 चलान किए हैं हमने, और ये थी मार्च तक की रिपोर्ट है, अभी अप्रैल आ गया, अभी और ज़्यादा से ज़्यादा हम इसके चलान कर लग रहे हैं। अभी सर कुछ समय पहले जो पंचकुला में कैमरे लगवाए गए हैं वो दोबारा से लगे हैं कई कैमरे, और गिनती भी बढ़ाई गई है। हाँ तो गिनती भी काफ़ी बढ़ाई गई है, कुछ कैमरे हैं वो कुछ खराब हो गए थे तो ठीक नहीं हुए थे, अब वो सारे कैमरे ठीक हो गए हैं। तो सर क्या सारे कैमरे चलते हैं? बिल्कुल सारे टोटली कैमरे चले हुए हैं, जो खराब थे वो ठीक हो चुके हैं, कुछ कैमरे हैं जो नहीं ठीक हुए थे, तो कल मेरी बात भी हुई थी उनसे, वो उनको जल्दी ठीक करवा देंगे। हमने अपने जो ट्रैफिक के मुलाजिम हैं
सभी चौराहों पर सबको एक एक कैमरा दिया हुआ है, वो अपने बॉडी पर लगा कर रखते हैं, उसके द्वारा भी हमें चालान करते हैं। और जो दूसरे हैं, कुछ बच्चे ऐसे हैं जो छोटे बच्चे हैं, 15 15 16 16 साल वगैरह के, वो भी बाइक लेकर चलते हैं, कोई स्कूटी लेकर चलते हैं। मैं उनके भी परिवार वालों से रिक्वेस्ट करूँगा कि भी बच्चों को अपना, जब तक इनकी एज ना हो जाए, ड्राइविंग लाइसेंस वगैरह पूरे ठीक ढंग से इनको नहीं चलानी आ जाती है बाइक गाड़ी, तो उनको नहीं दे, नहीं तो उसके मैं आप लोगों के पेरेंट्स के ऊपर कार्रवाई करेंगे उस चीज़ की, उसको बाइक को भी इम्पाउंड करेंगे, चाहे गाड़ी है उस पर भी कार्रवाई होगी और परिवार के ऊपर भी कार्रवाई करेंगे, क्योंकि छोटे बच्चे हैं, उनको चलानी ढंग से आती नहीं, वो खुद तो किसी अपना नुकसान करें ही करेंगे, सामने जो गाड़ी जा रही है, थ्री व्हीलर जा रहा है, उसका भी नुकसान करेंगे वो चीज़। दूसरा सर, जो सीसीटीवी के जो जैसे चलानी हो रही है, जी ऑनलाइन चलानी घर पहुंच रही है, इसके बारे में थोड़ा सा बताएं सर जरा किस तरह से, क्योंकि जो लोग हैं वो तो फिलहाल उसका कोई ध्यान देते नहीं और निकलते हैं, चालान तो अभी कटेगा नहीं। लोग ध्यान नहीं देते, तभी ये 2000 से ज़्यादा उनके चालान हो रखे हैं। हम सीसीटीवी से उनके जो भी, मान लो रेड लाइन जब करता है या ट्रिपल उस पे चलता है, रॉन्ग साइड चलता है, विदाउट सीट बेल्ट के चला हुआ है, तो उनके हमारी कैमरे की वजह से हम उनके घर पर चालान भेज देते हैं। सर कई बार कैमरे की नज़र में जो निर्दोष होते हैं जिन्हें नहीं ज़रूरत है वो भी फंस जाते हैं, तो उनके भी चालान होते हैं नहीं तो नहीं नहीं जो निर्दोष है, निर्दोष का तो हम करते नहीं। सर, जैसे अभी कोई प्रेग्नेंट लेडी है वो गाड़ी हाँ में जा रही है जी तो जी इमरजेंसी में उसको लाइट क्रॉस करनी पड़ी, तो चालान तो उसका भी होगा। नहीं, उसका चलान हो ना, वो इस चीज़ के बारे में ये बताए कि भी मतलब मेरी ये परेशानी थी, मान लो एम्बुलेंस है, एम्बुलेंस को का चालान नहीं होता, क्योंकि एम्बुलेंस वो इमरजेंसी सेवा है। सर गाड़ी में कैसे बता देगी, ऑनलाइन चालान होने के में कैसे पता चलेगा कि मतलब वो? ऑनलाइन चालान होने का अपील की जा हाँ सकती है आगे? नहीं, उसके फिर उसकी अपील की करे ना जी वो हमें पुलिस ऑफिसर को आकर बताए भी मेरी ये प्रॉब्लम थी, तो उसका हम समाधान करेंगे। जी तो किसके लिए, किस संबंधित एरिया में, किस संबंधित थाने मौके के में? जो SHO हैं या मैं ACP हूँ यहाँ पर, मुझसे या हमारे जो सीनियर अधिकारी हैं उनसे भी मिल सकते हैं, सर, हाँ ये जो उसका हम बॉडी समाधान करेंगे। बॉडी कैमरे कर बिल्कुल, रहे हैं, कब से लुप्त कर रहे हैं आप, कब से दे रहे हैं ड्राइवर बॉडी को? कैमरे पहले से ही हमारे पास में, लेकिन अब उसकी हम संख्या हमने बढ़ा दी है। ठीक है, थैंक यू सर, बहुत थैंक यू।